गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ टायर्स के बारे में जो आप जीटी में यूज़ कर सकते हो। तो जीटी में मल्टीपल ऑप्शंस है, अभी एक नया ऑप्शन आया है जो अलॉय व्हील्स के साथ इन्होंने ट्यूबलेस दिया है। उससे पहले जीटी में पिरेलीज यूज़ होते थे, उसके बाद C8 जूम क्रूज, क्योंकि पिरेलीज इंडिया में आना बंद हो गए। मेरी जो बाइक है वो 15,000 किलोमीटर रन कर चुकी है, मोर देन 15,000 किलोमीटर रन कर चुकी है स्टॉक टायर्स पे, नॉट स्टॉक टायर, दोनों टायर्स पे नहीं, मतलब फ्रंट टायर उसका जो है वो 15,000 किलोमीटर चल गया है। तो इट्स अ बिग थिंग फॉर अ C8 टायर, क्योंकि अगर ये पिरेली का टायर होता तो शायद ये इतना काम नहीं करता, क्योंकि पिरेली के टायर्स की लाइफ बहुत कम थी, लेकिन उनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी थी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। वेर एज C8 कंपेरेटिवली ग्रिप अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज़ है जो C8 है वो एक तरफ से मेरा टायर जो है ज़्यादा घिस रहा था। तो अभी मैं आपको नीचे टायर के पास लेके जाता हूँ, उसकी कंडीशन दिखाता हूँ। 15,500 अप्रॉक्स किलोमीटर चल गई है मेरी बाइक, और नया टायर भी मैंने C8 ही मंगाया, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा और इंस्टॉलेशन उसका दिखा दूँगा। सो हियर इज़ द बाइक राइट हियर गाइज, अभी मैं इसका आपको ओडो दिखा देता हूँ। सो इट्स 15,514 किलोमीटर्स, और ये कंडीशन है कुछ इसके फ्रंट टायर की, जो कि एक तरफ से ज़्यादा घिसा हुआ है और इस तरफ थोड़ी बहुत ग्रिप्स है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इससे हैंडल बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहा था, और राइट साइड जब हम इसको लीन कर रहे थे तो दिक्कत आ रही थी, मतलब अनस्टेबल हो जा रही थी बाइक बहुत ज़्यादा। इस टायर की अच्छी बात यह है कि इसका जो इनिशियल 6 to 7,000 किलोमीटर्स तक इसकी C8 की पर्टिकुलरली मेरे को ग्रिप बहुत अच्छी लगी। पिरेली मैंने यूज़ नहीं करा, पर पिरेली का मेरे को जब मैंने सुना है फीडबैक लोगों से वो ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन उनकी लाइफ बहुत कम थी। ये 15,000 किलोमीटर्स चल चुका है गाइज, सो इट्स अ बिग थिंग फॉर अ C8 टायर। और इसी कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूँ रेयर टायर। अब रेयर टायर आई हैव चेंज्ड वंस, इट वाज 8,500 किलोमीटर्स तब ऑन द ओडो। सो सी इज अ नेल, अब ये पंचर क्यों नहीं हो रही, ये ट्यूब टायर ही है, ट्यूबलेस नहीं है, इसमें कोई ट्यूबलेस किट नहीं डली है, इसमें टायर सीलेंट डला है जो कि पंचर होने से बचाता है बाइक को, वरना ये पंचर हो जाते अभी तक मेरे लिए बहुत बड़ा इशू हो जाता, तो ये बाइक भारी भी बहुत है। सो लिंक मैं डाल दूँगा उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सो नियरली हाफ लाइफ है फ्रंट टायर टू लेफ्ट टायर में देखूँ अगर रेशियो देखूँ, और वैसे दोनों टायर साथ में चेंज कराने चाहिए, पर अभी इसमें ग्रिप है तो कोई मेरे को कोई वो मतलब वेस्ट ऑफ मनी लगेगा या फिर उस टायर के पैसे वसूल नहीं होंगे। सो हियर्स द बाइक गाइस, अभी मैं वो C8 जूम क्रूज ही फिर से अपने मंगाया। अब टायर जो इसमें डलता है वो है 190/18 सेक्शन का, ये 06/22 का वेरियंट है ये GT। ये रेड थी, मैंने इसमें क्रोम टैंक चेंज कर दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी आई बटन में लिंक आ रहा होगा उस पर देख लीजिए जाके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी चेंज करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा और व्हाई आई डिड चूज़ द C8 अगेन, उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। सो द रीज़न व्हाई आई डिड चूज़ द C8 अगेन, बिकॉज इनिशियल परफॉर्मेंस C8 का 6,000 किलोमीटर्स तक बहुत अच्छा है, और पिरेली इंडिया में आता नहीं, मैं डेफिनेटली पिरेली लेता, और जो मेरे को मिलेंगे वो आउटडेटेड टायर्स मिलेंगे, मतलब 2-2.5 साल पुराने, जो कि सही नहीं है लगाना बाइक पे, रिस्की हो सकता है। बाकी इफ़ यू गेट चांस टू पुट पिरेली जो कि लेटेस्ट एडिशन का हो तो गो फॉर पिरेली, और जो नया आया है उसका नाम मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, अभी स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो मार्केट में इतनी जल्दी अवेलेबल भी नहीं है, और सेकेंड रीज़न उसका मैं थोड़ा फीडबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ लोगों का, क्या फीडबैक है उस टायर का, क्या वो इतना परफॉर्मेंस वर्दी है C8 के मुकाबले या नहीं। सो आई हैव टेकन आउट द टायर। अभी मैं एक गलती कर रहा था, वो था कि मैं इस रॉड को वैसे ही पुश कर रहा था जबकि इधर से एलन की से लूज़ होता है, तो उसके बाद ये बाहर आती है बहुत ईजीली। ये है इसका ओडोमीटर का सेंसर जो कि आपको दिखाता है, बाकी ब्रेक पैड्स आप देख लीजिए अभी नई कंडीशन में, रिसेंटली चेंज करवाए थे, और इसको खड़े करने के लिए बहुत मेहनत करी है, उधर मैंने 4 ईंट रखी है, इधर मैंने कार का जो स्टैंड है और मैं इसमें डबल स्टैंड लगवाने वाला हूँ, ये जो कार का जैक है उससे मैंने इसको थोड़ा लिफ्ट कराया पीछे से, तब जाके ऐसे निकाला है। अभी इस टायर को चेंज करा के आते हैं।
सो द टायर हैज बीन फिट ऑन द रिम. अब इसको फिट करेंगे बाइक पे, उसके बाद आपको दिखाते हैं. हियर इज द फाइनल लुक आफ्टर द टायर इज इंस्टॉल्ड, द न्यू वन. और अब नया टायर लगने के बाद ये नई लग रही है बिल्कुल. हाँ, इनिशियल में आपको एक प्रॉब्लम आएगा कि ब्रेक थोड़े से कम लगेंगे, फिर थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाएगा. ब्रेक पे एक क्लॉथ से इसको वाइप कर दें जब आप टायर कट करें, और इधर एलन की से इसको टाइट करना और लूज़ करना ज़रूर याद रखें, वरना ये बाहर नहीं आएगी रोड. सो दिस इज़ इट फॉर द व्लॉग, एंड इफ़ यू डिड लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप. एंड रेयर टायर भी हम इसका चेंज करेंगे. सोच रहा हूँ इस बार थोड़ा डिफरेंट यूज़ करूँ, तो जो भी चेंज करेंगे वो वीडियो व्लॉग पे आ जाएगी. और YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट फॉर 14,000 सब्सक्राइबर्स. एंड वी आर होपिंग टू गेट टू अ मिलियन दिस ईयर, सो प्लीज़ काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.